नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्वदेश लाइव का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अनु। और मैं हूं वंशिका। हम दोनों आपको बताएंगे कि आज के अखबारों में यानी 31 अक्टूबर के अखबारों में क्या कुछ प्रमुखता से छापा गया है। तो वंशिका, आज की लीड स्टोरी क्या है अखबारों? आज की लीड स्टोरी की बात करें तो रकांपा के विधायकों के घर में आग लगने की खबर ने सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं स्वदेश अखबार ने लिखा कि मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने दो रकांपा विधायकों के घर में लगाई आग। तो वहीं दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने लिखा, मराठा आरक्षण दो एनसीपी विधायकों के घर फूके, तो वहीं दो शिवसेना सांसदों के घर फूके, दो शिवसेना सांसदों के इस्तीफे। तो वहीं अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने इंडिया गठबंधन की मांग को खारिज करने की खबर को अपनी लीड स्टोरी बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी करने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। नवदुनिया ने हेडलाइन दी है, आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का समन। तो वहीं अंग्रेजी अखबार द पायोनियर ने लिखा, आप डेथ अब डेल्ट ब्लो, सीएम केजरीवाल समंड बाय ईडी, सिसोदिया गेट्स नो रिलीफ। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, एक्साइज केस, ईडी समन्स केजरी आवर्स आफ्टर एससी रिजेक्ट्स सिसोदियाज बेल प्ली। और क्या कुछ एक दो खबरों की बात करें तो फ्रंट पेज पर आपको दिखी वंशिका? अगर हम फ्रंट पेज की और कुछ खबरों की बात करें तो वही अमित शाह के इंदौर दौरे को भी अखबारों ने स्थान दिया है। जी हाँ, पीपल्स समाचार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को अपनी लीड स्टोरी बनाई है। दाम 80 से 90 रुपए किलो, मार्च से पहले राहत की उम्मीद नहीं। अगर खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें वंशिका, तो स्वदेश अखबार ने अफगानिस्तान टीम की जीत को दिखाया है और उन्होंने लिखा है, विश्व कप में अफगानिस्तान की तीसरी जीत, श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। तो वहीं पत्रिका ने लिखा, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बाद श्रीलंका का शिकार, अफगानिस्तान टीम 7 विकेट से जीता। वंशिका, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास? अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें अनु, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दैनिक जागरण ने फिलिस्तीन की खबरों को स्थान दिया, फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की चेतावनी। तो वहीं राज एक्सप्रेस ने लिखा, गाजा में घुसी इजरायली सेना, जमीन से लेकर आसमान तक से किए हमले तेज, 600 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त। तो वहीं अगर बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों पे नजर डालें तो बिजनेस की खबरों में स्वदेश भोपाल ने नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिलने की खबर को अपने उद्योग और व्यापार के पृष्ठ पर सबसे ऊपर जगह दी है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर हेल्थ इंश्योरेंस की खबर, न्यू ईयर नो योर हेल्थ कवर एट अ ग्लैंस हेडलाइन दी है, जिसमें 1 जनवरी 2024 से हेल्थ इंश्योरेंस के लागू होने वाले नियमों को दिखाया है। वंशिका, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है और इसको लेकर तमाम अखबारों ने बहुत सुंदर लेख भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें से एक स्वदेश अखबार ने अपने भोजनगरी के पृष्ठ पर एक सुंदर लेख प्रकाशित किया जिसमें अलग अलग समाज सेवियों के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से सीखे हुए गुणों का उल्लेख मिलता है, साथ ही उनके अनुभव भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में वल्लभ भाई पटेल का देश में रहा अप्रतिम योगदान शीर्षक से पढ़ने योग्य एक बहुत ही सुंदर लेख साझा किया है। इस लेख में देश के पुनरुत्थान में सरदार पटेल की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये थे आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। अब मैं अनु और मैं वंशिका आपसे इजाज़त लेते हैं। आप सुनते रहिए स्वदेश लाइव का पॉडकास्ट। नमस्कार। नमस्कार।